हेलो एवरीवन, आज हम लोग क्लास 12th का फिजिक्स का पहला चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। देखो यार, इस चैप्टर में बेसिकली हम लोग को क्या पढ़ना है। देखो, यहाँ दो वर्ड से मिलकर चैप्टर ये बना है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ये चैप्टर का नाम हो गया इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रो बेसिकली रेफर्स फॉर चार्ज। ये इलेक्ट्रो किसको रेफर कर रहा है? ये रेफर कर रहा है चार्ज को। और ये जो स्टैटिक्स वर्ड है मतलब रेस्ट, मतलब चार्ज इन रेस्ट। यहाँ जो भी चार्ज है रेस्ट की कंडीशन में है। ठीक, हम लोग क्लास 11th में आप लोग को याद होगा आप लोगों ने चैप्टर पढ़ा हुआ था काइनामेटिक्स। काइनामेटिक्स में बेसिकली हम लोग क्या पढ़े थे? काइनामेटिक्स में हम पढ़े थे किसी भी पार्टिकल का मोशन, मोशन से रिलेटेड बेसिकली हमको मतलब होता है तीन चीज़ों से, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एंड पोजीशन। ये तीन चीज़ों से हमको मतलब होता है, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एंड पोजीशन। ये काइनेमेटिक्स का पार्ट होता है। काइनेमेटिक्स की नॉर्मल डिफिनीशन होती है, मैं ऑलरेडी जब 11th में पढ़ाया था तो मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि काइनेमेटिक्स इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विथ मोशन ऑफ द पार्टिकल। मोशन ऑफ द पार्टिकल में उसको मतलब होता है, उसको इस बात से कोई लेना देना नहीं होता कि अगर कोई पार्टिकल मोशन में है तो क्यों मोशन में है, उसके पीछे उसको मोशन कराने वाला कौन है, क्या कोई फोर्स लग रहा है, अगर फोर्स लग रहा है तो कौन सा फोर्स लग रहा है, इससे उसको कोई लेना देना नहीं। बस उसको किस बात से मतलब है कि पार्टिकल अगर मोशन में है तो उससे उसकी वेलोसिटी क्या है, उसका एक्सेलरेशन क्या है, उसका पोजीशन क्या है, इसी को डील करके हम लोग काइनेमेटिक्स का चैप्टर क्लास 11th में पढ़ चुके हैं और आप लोग बहुत बेहतरीन से पढ़ के आए होंगे मुझे उम्मीद है। लेकिन इस चैप्टर में जब क्लास 12th की हम लोग स्टार्टिंग कर रहे हैं और इसमें हम लोग पहला चैप्टर ही मिला इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जिसमें हम लोग चार्ज इन रेस्ट की कंडीशन में की डिस्कशन करेंगे। बेसिकली इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्या समझना, इसमें सबसे पहला टर्म आता है, जो सबसे पहला हम लोग क्या सीखते हैं, क्वांटाइजेशन। ठीक है, क्या सीखते हैं? क्वांटाइजेशन। क्वांटाइजेशन बेसिकली क्या है? कहता है कि चार्ज एग्जिस्ट इन द नेचर एज द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी ऑफ चार्ज। दैट इज 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम। Hence, it is said to be quantized. जो Q होगा वो होगा प्लस माइनस N into E. If N is integer, then Q is the possible charge in the nature. देखो इसका क्या मतलब हुआ, कहता है कि क्वांटाइजेशन का मतलब क्या होता है। ठीक, मेरे कहने का सीधा सीधा मतलब समझिएगा, मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, जैसे आज के प्रोस्पेक्टिव में समझ लिया जाए। आज के प्रोस्पेक्टिव में अगर हम कहें तो अगर हमको किसी को कुछ पैसा देना है, तो हम कैसे दे सकते हैं? हम फिजिकल मनी की बात कर रहे हैं, हम ऑनलाइन ट्रांजेक्शन एंड ऑल की बात नहीं करते। ऑनलाइन ट्रांजेक्शन का मतलब ये, मान लो कि तुम्हारा आज के रेट में कोई बैंक बैलेंस है और वो दिखा रहा है 1,000.17 रुपीज़, तो ये 1.17 रुपीज़ ये बैंक अकाउंट में क्रेडिट तो दिखाई देगा कि आपके बैंक अकाउंट में दिखाई दे रहा 0.17, बट 0.17 का ट्रांजेक्शन आप फिजिकली पॉसिबल नहीं है। क्यों फिजिकली पॉसिबल नहीं है? क्योंकि आज के डेट से, जिस डेट में मैं ये बात कर रहा हूँ आपसे, आज के डेट में जो इंडिया में मिनिमम जो
करेंसी चलती है कम से कम एक रुपया की करेंसी चलती है। अगर आप किसी बेगर को कुछ देते भी हैं तो कम से कम एक रुपया का डोनेशन दे सकते हैं, इससे कम की पॉसिबिलिटी नहीं है। सेम उसी तरीके से अगर आप किसी को पैसे देंगे तो आप एक रुपये का मल्टीपल में देंगे, आप एक रुपया दे सकते हैं, आप दो रुपया दे सकते हैं, आप तीन रुपया दे सकते हैं, आप चार रुपया देंगे, लेकिन जो भी देंगे एक रुपये का मल्टीपल में देंगे। क्यों? क्यों? क्योंकि आप अगर किसी से ये बात बोलेंगे कि मैं फिजिकली किसी को तीन रुपया दान किया तो वो आपकी बात को विश्वास करेगा, बट आप सेम टाइम अगर आप ये बोलते हैं कि मैं किसी को साढ़े तीन रुपया का दान किया या तीन रुपया पच्चीस पैसे का दान किया फिजिकली, तो ये आप पे सूट नहीं करेगा। सूट क्यों नहीं करेगा? क्योंकि आज के डेट में सबको पता है कि सबसे कम रुपीज़ कितना दान कर सकते हैं, एक रुपये का मल्टीपल, तो तीन रुपये पच्चीस पैसा या तीन रुपये पचास पैसे पॉसिबल ही नहीं है। ठीक, सिमिलरली उसी तरीके से हम ये बात कहते हैं कि जो सबसे मिनिमम पॉसिबल चार्ज है वो मिनिमम पॉसिबल चार्ज है 1.6 इंटू 10 पर माइनस 19 कूलम, जो वन इलेक्ट्रॉनिक चार्ज के बराबर है। वन इलेक्ट्रॉनिक चार्ज मतलब 1.6 इंटू 10 पर माइनस 19 ऑफ कूलम। अब कोई भी चार्ज अगर ट्रांसफर होगा तो कहीं एक इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो सकता है, दो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो सकता है, तीन इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो सकता है या एन इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो सकता है। लेकिन अगर कोई आपसे कहता है कि मैं 3.5 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करता हूँ, 3.5 ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ये पॉसिबल नहीं है। कोई कहता है 3.25 ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर रहा है, ये भी पॉसिबल नहीं। क्यों? क्योंकि 0.25 इलेक्ट्रॉन को डिवाइड नहीं किया जा सकता जब हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बात कर रहे हैं। मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ कि आप फर्दर ये क्या हुआ इलेक्ट्रॉन डिवाइड हुआ। इलेक्ट्रॉन मिनिमम जो चार्ज है वो इलेक्ट्रॉन ही है, और सबसे पॉसिबल सबसे छोटा चार्ज है वो कितने के बराबर है, 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 कूलम। अगर कोई भी चार्ज नेचर में एग्जिस्ट करेगा तो इसी के मल्टीपल में एग्जिस्ट करेगा, एक इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन, तीन इलेक्ट्रॉन या एन इलेक्ट्रॉन ही एग्जिस्ट कर सकता है, इसके अलावा कोई भी एग्जिस्ट नहीं कर सकता। एक छोटा सा सवाल इस पे करके देख लेते हैं कि कैसे इसका मेरा कहने का सेंस क्या है, इससे ज़्यादा आपको क्लियर हो पाएगा। जैसे मैं एक छोटा सा सवाल लिखता हूँ आपके लिए, विच ऑफ द फॉलोइंग मे बी पॉसिबल चार्ज इन द नेचर। पहला 8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 18 कूलम, दूसरा 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 20 कूलम, तीसरा 1 कूलम, और चौथा 4 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19 ऑफ कूलम। अपने को ये क्या चेक करना है कि इनमें से कौन सा चार्ज नेचर में पॉसिबल है और कौन सा नेचर में पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अब अपने को ये सवाल, इस तरह का सवाल अगर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ जाता है या छोटे मोटे इंजीनियरिंग वाला एग्जाम में ये सवाल पूछे जाते हैं या नॉर्मल बीएससी के एग्जाम में सीधा सीधा ये सवाल पूछा जा सकता है। ये बेसिकली सवाल बिलोंग करता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से, और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का ये पहला सबक है आपके लिए। इसमें आपको करना क्या होता है, हमको इस सवाल को प्रोसीड कैसे करना, अपने को प्रोसीड करना है। कहता है कि अगर मान लिया कि ये जो चार्ज है नेचर में एग्जिस्ट कर रहा है, तो मैं बोलूँगा अगर ये चार्ज नेचर में एग्जिस्ट कर रहा है मतलब ये चार्ज हमेशा क्वांटाइज्ड होगा। ठीक, अब मैं बोलूँगा कि अगर Q होगा तो वो N इंटू E के बराबर होगा, इसका मतलब जो N होगा वो Q बाई E के बराबर होगा, और अपने को इसी फॉर्मूले से लेना देना है अभी के लिए इस तरह के सवाल को डील करने के लिए। ठीक, मैं ये आपको बार बार समझा रहूँगा, किसी चीज़ को याद करने की ज़रूरत नहीं है, शुरू से बेसिक कॉन्सेप्ट समझते जाइएगा। आपको अगर दिक्कत होगा तो कॉमेंट बॉक्स में आप अपनी प्रॉब्लम को मेरे साथ शेयर कर सकते हैं, मैं आपको जितनी जल्दी होगी आपको जवाब दे दूँगा। तो इस सवाल को समझते हैं, तो पहला सवाल चेक करते हैं, पहला वाला चार्ज पॉसिबल है कि नहीं। इसके लिए क्या करेंगे, बोलेंगे 8 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 18 ऑफ कूलम डिवाइडेड बाई 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19। ठीक, अब देखो यार, थोड़ा सा अगर कैलकुलेशन आप अच्छे से करोगे तो फर्स्ट अगले स्टेप में इसको आप क्या लिखोगे, 8 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 18 इंटू 10 का पावर 19, माइनस पावर था, माइनस से पावर जब ऊपर जाएगा तो ये पॉजिटिव हो गया, मैंने ये डेसिमल ही साथ में हटा लिया था, इनटू 10 डिवाइडेड बाय
16, राइट। इस 8 से इस 16 को कैंसिल आउट करिए 2 बार में, ठीक है। और क्या कर सकते भाई, ये देखो ये 2 से ये 10 कैंसिल आउट हो गया 5 बार में। 10 टू द पावर माइनस 18, 10 का पावर माइनस 19, दोनों का बेस बराबर है, पावर पावर को ऐड करोगे तो ये हो जाएगा यार 10 इंटू 5, और ये कुल मिला के आने वाला है 50, और 50 तो एक इंटीजर है, मतलब ये वाला जो चार्ज है पहला वाला है ये पॉसिबल है। तो ये कैसा है, फर्स्ट वाला क्या है, पॉसिबल है, तो ये क्या बोलेंगे, पॉसिबल। सिमिलर तरीके से आप सेकंड वाले को चेक करिए बेटा, मैं ये सवाल आपके लिए करके दिखा रहा हूँ ताकि आपको समझ बहुत बेहतरीन तरीके से आ जाए। 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 20 डिवाइडेड बाई 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19, 1.6 से 1.6 सीधा सीधा कैंसिल आउट हो गया, और अगले स्टेप में आपको ये दिखाई दे रहा है 10 टू पावर माइनस 20 इंटू 10 टू द पावर 19, ये माइनस था, ये ऊपर आया तो हो गया प्लस, और अगले स्टेप में दिखाई दे 10 का पावर माइनस 1, इट मीन्स 1/10, और 1/10 तो ये फ्रैक्शन में है, तो ये क्या बोलेंगे, नॉट पॉसिबल, ये बोलेंगे नॉट पॉसिबल, जीरो, ये बेसिकली क्या होगा 0.1, और 0.1 तो डेसिमल नंबर हो गया, और अपने को किससे मतलब है यार, अपने को मतलब है यार इंटीजर से, और इंटीजर अगर नहीं मिलता है तब तो ये गड़बड़ है, तो अपने को क्या मतलब है कि ये इंटीजर नहीं हुआ, ये गड़बड़ है। सिमिलर तरीके से आप थर्ड वन चेक करिए, थर्ड वन के लिए आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके खुद से लगाइए और खुद से ट्राई करिए, वीडियो को पॉज करिए खुद से कोशिश करिए तो फिर ये सॉल्यूशन को मिलाइएगा। खैर मैं आगे करता हूँ, आप लोग से अच्छा रहेगा आप लोग वीडियो को पॉज करें खुद से करें। वन कूलम डिवाइडेड बाई 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19, और देखो यार इसमें थोड़ा सा ट्रिक लगा के आपको दिखाता हूँ, ट्रिक इन द सेंस कुछ नहीं, मैंने कैलकुलेशन में ट्रिक लगाने की बात की और कुछ नहीं, 1 × 10⁻¹⁹ डिवाइडेड बाई 1.6, ये डेसिमल हटाओगे तो ऊपर आ जाएगा 10, कुल मिला के ऊपर हो गया 10। देखो 10 पावर 90 इंटू 10, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 100 × 100 इंटू 10 का पावर 16 डिवाइडेड बाई 16 था, इसको लिख सकता हूँ 4 × 4। देखो यार कुल, मैं फिर से एक बार एक्सप्लेन कर दूँ, ये 19 और इसका पावर है 1, इसका पावर 1 तो 19 प्लस 1 हो जाएगा 20, ठीक, 10 का पावर 20 था, मैंने इसको 10 का पावर 16 एक जगह सेपरेट किया, × 100 × 100 मतलब 16, 17, 18, 19 एंड 20 टोटल हो गया 10 का पावर 20। इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, इतनी उम्मीद करता हूँ आपसे, इतना आपको समझ में आता होगा। 4 से इसको कैंसिल आउट करिए, ये हो गया 25, और इसको कैंसिल आउट करेंगे तो ये भी होगा 25, और ये हो गया देखिए बेटा 625 इंटू 10 का पावर 16, और ये एक इंटीजर है, मतलब ये वैल्यू हो गई पॉसिबल। आप एक छोटी सी बात देखो यार, 1 कूलम चार्ज तो हम लोग ऐसे बोलते हैं जैसे घर की खेती हो, लेकिन 1 कूलम चार्ज को बनने के लिए देखो कितनी की जरूरत पड़ती है, अपने को यार जरूरत है 625 इंटू 10 पावर 16 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होगी, तब जाके 1 कूलम ऑफ चार्ज जनरेट होता है, इतना चार्ज इतना मुश्किल है, तो आप इस बात को समझिए। तो ये भी पॉसिबल हो गया, ये नहीं पॉसिबल है, ये पॉसिबल है, और अपने को चौथे नंबर की क्वेश्चन को चेक करने की जरूरत है कि फोर्थ वन पॉसिबल होगा कि नहीं, खुद से चेक करके देखिए। मैं आपको पहले ही से बता दूँ, ये मुझे ऐसे ही समझ में आ रहा है कि ये पॉसिबल नहीं है, अगर आपको कैलकुलेशन में डाउट हो तो खुद से करके देखिए, नहीं हो तो मैं आपको करके दिखाने के लिए तैयार हूँ, बट आप एक बार खुद से कोशिश करेंगे, आप जितना खुद से कोशिश करेंगे उतना अच्छा सीखेंगे। तब पर भी मुझे उम्मीद है आप कोशिश किए होंगे और आपका आ भी गया होगा, बट तब पर भी 1% बच्चे हैं जिनका ना आया होगा, उनके लिए मैं करके दिखाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो अपना था चौथा नंबर का जो पार्ट था, चौथा नंबर कहता था कि 4 × 10⁻¹⁹ कूलम, और इसको अपने को डिवाइड करना है यार किससे, 1.6 × 10⁻¹⁹। क्या अच्छी बात है यार, ये तो बहुत सुंदर है यार, 10^19 से 10^19 पूरा कैंसिल आउट हो गया, और ये देखो यार मैंने बोला था ना
कि मुझे ऐसा ही दिखाई दे रहा है, 16 का डेसिमल हटाया ऊपर आ गया 10, और देखो 4 4 जा 16, और ये 2 और ये 5, ये आ गया 5/2, और 5/2 तो आप बहुत अच्छे से जानते हो कि ये एक फ्रैक्शन है, इंटीजर नहीं है, मतलब ये भी कैसा है, नॉट पॉसिबल। ये भी कैसा हो गया बेटा, नॉट पॉसिबल। धीरे धीरे सबको समझ में आएगा, किसी को घबराने की ज़रूरत नहीं है, हम और आप मिलके चीज़ों को बहुत बेहतरीन तरीके से समझा जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ मूव करते हैं। इस तरह के सवाल करेंगे, मैं कोशिश करता हूँ सिमिलर पैटर्न का एक सवाल दूँ, ठीक। मैं सवाल बोल भी रहा हूँ और लिख भी रहा हूँ, ठीक। तो कोशिश करिए मेरे साथ साथ लिखिए, ताकि आपका समय भी बचेगा और आप जल्दी जल्दी कर भी पाएंगे। फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट अ पीस ऑफ मेटल शुड लूज और गेन टू एक्वायर 10 कूलम्ब ऑफ पॉजिटिव चार्ज। यार देखो, मेटल की बात किया है, कितना कूलम्ब की चार्ज की बात करा है, 10 कूलम्ब ऑफ चार्ज की बात किया है, ठीक। जो ये सवाल करना चाहते हैं वीडियो को पॉज करिए यहाँ पे और खुद से ट्राई करिए, खुद से जितना सवाल आप खुद से ट्राई करेंगे बेटा, आपका कॉन्सेप्ट उतना बेहतरीन बनेगा और आपका कॉन्फिडेंस लेवल उतना अच्छा होगा। जितना अच्छा आप सवाल करेंगे उतना आप सीख पाएंगे। मेरे बताने से, मेरे बोलने से आप सीख लेते तो मैं बोलता ही रहता हूँ, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं है। आप साथ में करिए, सीखिए, आप वीडियो को पॉज करिए, करिए खुद से, ठीक है। चलिए मैं करता हूँ। कहता है कि 10 को फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट अ पीस ऑफ मेटल शुड लूज और गेन टू एक्वायर 10 कूलम्ब ऑफ पॉजिटिव चार्ज। यार 10 कूलम्ब ऑफ मेटल है तो इलेक्ट्रॉन तो लॉस ही करने वाला है, ये तो समझ में आ गया। तो अपने को इसमें कन्फ्यूजन नहीं कि लॉस करेगा कि नहीं गेन करेगा, पॉजिटिव चार्ज भी बोला है तो ऑब्वियस सी बात है लॉस करने वाला है, ठीक। कितना, 10 कूलम्ब। चलिए फिर से वही क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज इक्वल टू पहुँचते हैं क्यू इक्वल टू एन इंटू ई। तो एन इक्वल टू क्या सीखे थे बेटा, क्यू बाई ई, ठीक, यही फॉर्मूला था। अपने को इस बार क्यू कितना दिया बेटा, 10 कूलम्ब, बहुत सुंदर, सभी ने लिखा होगा। और ई की वैल्यू कितना लिया बेटा, 1.6 इंटू 10 का पावर -19। तो इसका कैलकुलेशन करते हैं, क्या कहेंगे बेटा, 10 इंटू 10 टू द पावर 19, और नीचे का डेसिमल 1.6 का डेसिमल हटाएंगे तो एक ऊपर और 10 आ गया, और नीचे क्या बचा, 16, ठीक है। अब देखो फर्दर कैलकुलेशन प्रोसीड करो, ये हो गया 100, एक और 100 यहाँ से निकाल लो, और 10 का पावर क्या कर लो, 17 डिवाइड बाई 16 को क्या लिखोगे, 4 इंटू 4। ये मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि मेरा कैलकुलेशन आसान हो जाए, आप दूसरे तरीके से भी कैलकुलेशन करना चाहें कर सकते हैं, आएगा यही 625 इंटू 10 पावर 17, या इसको चाहे तो साइंटिफिक नोटेशन में लिखना चाहे तो 625 इंटू 10 का पावर कितना हो जाएगा यार, 19। ये हो गया आपका आंसर, उम्मीद है आपका सही हुआ होगा, क्लियर, ठीक। सॉरी थोड़ा पेपर टेढ़ा हो गया था, उम्मीद है सही किए होंगे आप, ठीक। कोई डाउट, जिसको डाउट होगा बेटा मैं फिर से बोल रहा हूँ, वो कमेंट बॉक्स में डालता रहेगा, मैं सब सवालों का जवाब जैसे ही समय पाऊँगा आपको दूंगा। उम्मीद है कि आप डालेंगे और मैं सवाल का जवाब उसी समय तो ना दूंगा, लेकिन इसकी गारंटी है कि तुम्हारे सवाल का जवाब मैं ज़रूर दूंगा तुमको, ठीक है। अब मैं अगले टॉपिक की तरफ बढ़ रहा हूँ बेटा। अगला टॉपिक है हमारा
कूलम्स लॉ, कूलम्स लॉ, ठीक है, कूलम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ये लॉ है बेसिकली, कूलम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहता आता है बेसिकली। इसमें कहता क्या है, ये कहता है कि अगर दो चार्ज पार्टिकल हैं, ये हो गया मान लो Q1, दूसरा चार्ज पार्टिकल मान लो ये हो गया Q2, सेपरेटिंग अ डिस्टेंस ऑफ r, ये दोनों पॉजिटिव हो सकते हैं, दोनों निगेटिव हो सकते हैं, पॉजिटिव निगेटिव दोनों कैसे भी हो सकते हैं, दोनों सेम साइन के हो सकते हैं, अपोजिट साइन से, उससे बस यही फर्क पड़ेगा। देखो यार, दो अपोजिट चार्जेज एक पास रखोगे तो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, दो सेम चार्जेज रहोगे आइदर दोनों पॉजिटिव हों दोनों निगेटिव हों, ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करते हैं, ठीक है, ज़्यादा का फर्क नहीं पता है, या तो फोर्स अट्रैक्टिव होगा या तो फोर्स रिपल्सिव इन नेचर होगा, ठीक है, लेकिन उससे कोई अपने को फर्क नहीं पड़ता, ठीक। तो अकॉर्डिंग टू कूलम्स, कूलम्स ने क्या कहा, कूलम्स ने कहा कि जो फोर्स होगा इन दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स, आइदर अट्रैक्टिव और रिपल्सिव, इस केस में रिपल्सिव क्योंकि दोनों सेम नेचर के चार्ज है, फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू क्यू वन इंटू क्यू टू, फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू क्यू वन इंटू क्यू टू, फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। अब ये दोनों बात को साइमल्टेनियसली अगर कोई कहेगा तो क्या कहेगा, फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वायर, ठीक है, और इस प्रोपोर्शनैलिटी को हटाएंगे तो एक कॉन्स्टेंट लगाएंगे, तो फोर्स इज इक्वल टू के टाइम्स क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वायर, ठीक। और प्रैक्टिकल से इस के की वैल्यू अगर निकाली गई तो आया एफ इज इक्वल टू वन बाई फोर पाई एप्सिलॉन क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वायर। बहुत लोगों के मन में आ गया होगा ये एप्सिलॉन क्या है सर, ये क्यों आता है, बहुत लोग बहुत पहले से भी जानते होंगे, क्लास टेंथ के स्टैंडर्ड में भी लोग जब अच्छी बुक पढ़ना शुरू करते हैं तो उनको वन बाई फोर पाई एप्सिलॉन चीज़ें पता होती हैं, लेकिन तब पर भी मेरा बताना काम है इसलिए मैं बताऊंगा बेटा कि ये एप्सिलॉन क्या है। ये एप्सिलॉन को कहते हैं हम लोग परमिटिविटी, क्या बोलते हैं बेटा, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ठीक है। आपको ये फॉर्मूला देख के आपको थोड़ा बहुत कुछ कुछ याद आ रहा होगा, क्या याद आ रहा होगा, आपको अपना क्लास नाइन्थ भी याद आना चाहिए, आपको याद आना चाहिए बेटा, आप इस चीज़ को समझिए कि आपको याद नहीं आ रहा तो आप क्लास नाइन्थ में थोड़ी सी इधर उधर तो किए थे, ऐसा कुछ हम लोग पढ़े थे, चैप्टर था ग्रेविटेशन, मैं पैरेलली लिख रहा हूँ ये, इससे मतलब नहीं है लेकिन तब पर भी याद करो, उसमें दो मैसिव पार्टिकल था, एक था कैपिटल एम, एक का लिख लो स्मॉल एम, बाई सेपरेटिंग अ डिस्टेंस आर, तो उसमें कहते थे कि इनके बीच में फोर्स लगने वाला है, फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू, नॉट इक्वल टू, प्रोपोर्शनल टू, फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू m into m, force is inversely proportional to r square, और force is proportional to capital M small m by r square, और force is equals to capital G m m by r square। ये सेम चीज़ यहाँ मैं लिखा हूँ, इसमें क्या था, दो बीचों बीच दो मैसिव पार्टिकल के बीच में, दो ऐसे पार्टिकल जिनका अपना मास होता है उनके बीच में लगने वाला ये अट्रैक्टिव फोर्स था जिसको हम लोग बोलते थे ग्रेविटेशनल फोर्स, आपको याद होगा बेहतरीन तरीके से, और ये कैपिटल जी क्या कहलाता था, कैपिटल जी था यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग क्या बोलते थे, UGC, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। आपको इसकी वैल्यू भी याद होगी, नहीं याद होगी तो अपनी क्लास नाइन्थ की बुक, क्लास इलेवेंथ की बुक, किसी बुक से कंसल्ट कर सकते हैं,
मैं इसी बात इसीलिए जोर दे रहा था कि आपको याद आना ही चाहिए, क्योंकि आपने नाइन्थ में भी पढ़ा, इसको आपने एलेवेंथ में पढ़ा, तो आप इसको भूल नहीं सकते। अगर आप भूल रहे हैं तो बेटा गड़बड़ कर रहे हैं। तो भूलना नहीं है अपने को, चीज़ों को पढ़ना है, रिवाइज करते रहना है। जितना आप रिवाइज करेंगे, पढ़ने से ज़्यादा रिविज़न की ज़रूरत होती है, तो आप रिवाइज करते रहिए, ठीक है। तो मैं एप्सिलॉन की बात करता हूँ। एप्सिलॉन क्या होता है बेटा? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, और इसकी वैल्यू होती है, 8.85 इंटू 10^-12, ठीक। इसकी यूनिट भी होती है, अभी थोड़ी देर मैं आपको यूनिट निकाल के दिखाऊंगा। कूलम्ब का स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर, कूलम्ब स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है, कोई दिक्कत? कूलम्ब स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक, कोई दिक्कत? अब आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को करना है कि सबसे पहले देखिए कि मैंने ये यूनिट लाया कैसे। और मैं आपको एक और बात बता दूं, जो 1/4 pi epsilon है, 1/4 pi epsilon, इसकी भी एक वैल्यू होती है, इसकी एक कंप्लीट वैल्यू होती है, कितनी होती है वो? 9 × 10^9, और इसकी यूनिट होती है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर, राइट। चलिए, और अपने को अब क्या करना है? अब अपने को सबसे पहले देखना है कि ये यूनिट कैसे बना, इसकी दोनों यूनिट कैसे बनी। और दूसरा बात, मैं एक चीज़ और इसमें जोड़ना चाहता हूँ, जो हमेशा कंपटीशन में पूछा गया है कि ये एप्सिलॉन का डायमेंशन कैसा था। क्लास एलेवेंथ में तो हमको पता है कि आप लोग रट गए थे डायमेंशन, क्योंकि उस समय तो एप्सिलॉन जानते नहीं थे। तो ऑब्वियस सी बात, आप माने ना माने कि मुझे आता था सर, बट मैं मानूंगा नहीं कि आपको आता था, इसलिए एप्सिलॉन की वैल्यू अभी डायमेंशन वाइज कैसे निकालते हैं वो भी अभी निकालना सीख रहे हैं, ठीक है। तो ओके, पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन, चीज़ों को लिख लीजिए अच्छे से, फिर मैं आगे चलता हूँ। चलिए, तो हम लोग क्या पीछे डिराइव किए, हम लोग डिराइव किए कि एफ इज इक्वल्स टू 1/4 pi epsilon Q1 Q2 by r square, राइट। 1/4 pi epsilon Q1 Q2 by r square। अब मैं क्या निकालना चाहता था, सबसे पहले मैं चाह रहा था कि 1/4 pi epsilon की वैल्यू तो निकाल लिए थे, उसका यूनिट कैसे निकालते हैं। 1/4 pi epsilon को मैंने सेपरेट किया, तो देखो ये बन गया एफ इंटू आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई Q1 × Q2। अब भैया फोर्स का आपको यूनिट पहले से पता है, फोर्स की यूनिट कितनी होती है? न्यूटन। फोर्स यूनिट कितनी होती है यार? न्यूटन। इंटू आर का स्क्वायर मतलब डिस्टेंस, डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है बेटा? मीटर का स्क्वायर। और Q और Q1 Q2 ये दोनों तो चार्ज ही हैं, चार्ज यूनिट क्या होती है? कूलम्ब स्क्वायर, गुड। तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर, ये किसकी यूनिट हो गई? यूनिट हो गई 1/4 pi epsilon की। अब यही बात एक चीज़ और समझ ली, ये किसकी यूनिट हो गई, ये क्या निकाल रहे हैं बेटा? यूनिट। अब मैं थोड़ा सा यही समझना चाहता हूँ यार, 1/4 pi तो प्योर कांस्टेंट है, 1/4 pi प्योर कांस्टेंट है, इसमें किसी को कोई डाउट ही नहीं है कि 1/4 pi प्योर कांस्टेंट नहीं है। तो कुल मिलाकर हम यह भी कह सकते हैं कि 1/epsilon की जो यूनिट हो गई वो क्या हो गई? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। तो एप्सिलॉन की यूनिट क्या हो गई? एप्सिलॉन की यूनिट हो गई कूलम्ब स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये इसकी यूनिट हो गई, ठीक। ये तो यूनिट हम लोग खेल लिए। अब बात करते हैं डायमेंशन की, डायमेंशन कैसे निकालते हैं। डायमेंशन निकालने के लिए आपको पता है 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज थी, जिसके थ्रू आप किसी भी यूनिट किसी का भी डायमेंशन निकालते थे। अगर आपको याद होगा तो बहुत अच्छी बात, मैं थोड़ा सा याद दिला देता हूँ। जैसे आपको पता होगा, लेंथ के लिए L यूज करते थे, आपके लिए मास के लिए M यूज करते थे, टाइम के लिए T यूज करते थे, कैपिटल T, करंट के लिए
एम्पियर कैपिटल ए यूज़ करते थे, ल्यूमिनस इंटेंसिटी के लिए आप कैंडेला यूज़ करते थे सी डी, अमाउंट ऑफ क्वांटिटी के लिए बोलते थे अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए मोल यूज करते थे, और टेम्परेचर के लिए क्या यूज करते थे, टेम्परेचर के लिए क्या यूज करते थे बेटा केल्विन। तो ये टोटल सात, आई होप मैंने आपको काउंट करा दिए सात, लेंथ कैपिटल एल, मास कैपिटल एम, टाइम कैपिटल टी, लेंथ हो गया, मास हो गया, टाइम हो गया, ठीक। उसके बाद मैंने करंट की बात की ए, एम्पियर चार हो गए, ल्यूमिनस इंटेंसिटी कैंडेला पाँच हो गया, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जिसको हमने मोल बोला ये छः हो गया, और सातवां हो गया टेम्परेचर जिसको हम लोग क्या बोले केल्विन, ठीक। ये इतने ही सब सेवन फंडामेंटल क्वांटिटी इन्हीं के बेसिस पर डायमेंशन को बनाया गया था। आप लोग क्लास 11 की बुक कंसल्ट कर सकते हैं इन चीज़ों को समझने के लिए। तो मुझे ऐसा समझना है यहाँ पे, देखो यहाँ पे चार्ज है, चार्ज यार चार्ज देखो क्यू क्या होता है, क्यू इक्वल टू होता था आई टी करेंट इंटू टाइम। तो यहाँ से करेंट, करेंट का क्या हो गया यार एम्पियर, टाइम का हो गया ए टी, तो क्यू के लिए ए टी मतलब जो कूलम्ब है उसके लगा हम क्या लिख सकते हैं ए इंटू टी, और इसका क्या करना है अपने को होल स्क्वायर करना है। न्यूटन फोर्स, फोर्स क्या होता था यार, फोर्स क्या था एम एल टी माइनस टू, एम एल टी माइनस टू, ये कहाँ से आया एम एल टी माइनस टू, आपको याद दिला दो फोर्स इक्वल टू क्या होता था बेटा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, देखो फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, मास मास तो एम हो गया और एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मास तो एम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो मास के लिए आप लोग यूनिट क्या यूज करते हो केजी, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो अब इसको डायमेंशन में चेंज करो तो ये मास के लिए एम, मीटर के लिए एल, और नीचे हो गया टी माइनस टू, तो आप यहाँ पे यूज करोगे एम एल टी माइनस टू, ठीक, मल्टीप्लाइड बाई मीटर स्क्वायर मतलब एल का स्क्वायर, कोई डाउट नहीं, ठीक। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करो, इसको सॉल्व करोगे तो बेटा बनेगा ऊपर वाला ए स्क्वायर टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई एम एल का पावर थ्री टी का पावर माइनस टू, और नेक्स्ट स्टेप में जब इसको सॉल्व करोगे तो ये क्या बन के आएगा, नेक्स्ट स्टेप में इसको सॉल्व करोगे तो ये बनेगा एम का पावर माइनस वन एल का पावर माइनस थ्री टी का पावर फोर और ए स्क्वायर। ये किसका डायमेंशन तैयार हो गया, ये डायमेंशन तैयार हुआ एप्सिलॉन नॉट का, तो ये एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन हो गया। निकाला कैसे जाता है मैंने आपको समझा दिया, आप इस चीज़ को समझ लीजिए, एक बार देख लीजिए, जिसको ना समझ में आया होगा वीडियो को थोड़ा सा पीछे ले जाइए और फिर से इसको चला के देखिए, उसके बाद भी ना समझ में आए तो आप मेरे से पूछिए, मैं आपको समझाऊंगा, आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको समझा दूंगा कि ये कैसे करना, ठीक। इस पे एक सवाल भी कर लेते हैं, छोटा सा सवाल है, फाइंड द मिनिमम पॉसिबल फोर्स between the two charged body separated by 1 meter. करता है find the minimum possible force between two charged bodies separated by 1 meter, ठीक है। इस सवाल के लिए आप लोग पहले वीडियो को पॉज करिए, खुद से कोशिश करिए, मुझे उम्मीद है कि मैक्सिमम लोग इसको कर लेंगे, उसके बाद भी जिसको नहीं आएगा मैं उनके लिए सवाल कर रहा हूँ, बट तब पर भी बेहतर होगा कि सभी इसको एक बार ट्राई ज़रूर करें, अपनी गलतियों को पहचानेंगे आप ज़्यादा सीख पाएंगे, ठीक है। तो
मुझे आपसे सीधा सीधा एक ही बात कहना है कि आप इसको वीडियो को पॉज करिए और इसको सवाल को खुद से ट्राई करिए, ठीक है। चलिए, आप लोग ट्राई कर चुके होंगे तो मैं इसको करता हूँ। देखो यार, फोर्स इज इक्वल्स टू वन बाई फोर पाई एप्सिलॉन क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वायर, ये फोर्स हो गया सीधा सीधा, ठीक। तो बेसिकली क्या आएगा यहाँ पे, वन बाई फोर पाई एप्सिलॉन, इसकी सीधी वैल्यू कितनी है, नाइन इंटू टेन टू द पावर नाइन मल्टीप्लाइड बाई, देखो फोर्स को मिनिमाइज करना, ये तो अपने वैल्यू कंट्रोल में थी नहीं, जो सेपरेशन दिया था वह भी वन मीटर का स्क्वायर दिया था, मतलब वन स्क्वायर। अब चार्ज को मिनिमाइज करना, मिनिमम पॉसिबल चार्ज सबको पता होगा कितना, वन इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, गुड, 1.6 इंटू टेन टू द पावर माइनस 19 मल्टीप्लाइड बाई 1.6 इंटू टेन टू द पावर माइनस 19। मैंने ये इसको चार्ज को मिनिमम कर दिया ताकि फोर्स मेरा क्या हो जाए, फोर्स हमको चाहिए मिनिमम पॉसिबल फोर्स, मिनिमम के लिए हमने चार्ज को ही मिनिमाइज कर दिया। और थोड़ा सा आप कैलकुलेशन करके अच्छे से कैलकुलेट करके देखेंगे तो ये वैल्यू आने वाली है 23.04 इंटू 10 का पावर माइनस 29। मैंने कैलकुलेटर से कर लिया इसको झट से, लेकिन उम्मीद है कि आप लोग खुद से करेंगे, आप लोग ईमानदार हैं थोड़े से, मुझे समय की थोड़ी सी किल्लत है इसलिए मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूँ। और ये फर्दर स्टेप में आप क्या लिखेंगे, 2.304 इंटू 10 टू द पावर माइनस 28 न्यूटन, क्लियर। उम्मीद है आप चीज़ों को बहुत अच्छे से समझ गए होंगे, ठीक। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। इसमें जितनी भी समस्याएं होंगी, जो भी दिक्कत होगी, आप कमेंट बॉक्स में अपनी परेशानी के साथ डालिएगा, ठीक। हो सके तो आप अपनी कॉपी की जिस पॉइंट पर परेशानी हो उसकी फ़ोटो भी उसमें आप डाल देंगे ताकि मैं आपकी परेशानी को ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ सकूँ। ओके, चलिए, थैंक यू।